एवीन एम्बरेजी द गेस्ट्रोलेशन फर्स्ट दें फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म एंड रिग्रेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड द एपीबॉली स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गैस्ट्रोलेशन वन के अंदर हमने डिस्कस किया है किस तरह से सेल्स माइग्रेट करके जो एपीब्लास्ट है इससे नीचे आएंगे हाइपोब्लास्ट और एपी के दरमियान स्पेस में सबसे जो पहले सेल्स माइग्रेट करके आ रहे हैं दे आर फार्मिंग द एंडोडर्म उसके बाद जो सेल्स माइग्रेट करके आएंगे वो आहिस्ता आस्ता डिमिजोडर्म के डिफरेंट पोर्स जो हैं उसको बनाएंगे इससे जो माइग्रेटरी सेल्स हैं वो एंडोडर्म और मिज़ोडर्म बना रहे हैं अब वो सेल जो सबसे टॉप के ऊपर रह जाएंगे जो कि अब एपी ब्लास्ट का हिस्सा हैं टॉप वाली लेयर का हिस्सा हैं दे आर एक्चुअली द एक्टोडर्मल सेल्स ये एक्टोडर्मल सेल्स हैं अब एक्टोडर्मल सेल्स के वो पोर्शन जो कि प्रिमिटिव स्ट्री के करीब त्रीन है इसने आगे जाकर न्यूरल ट्यूब बना देनी है और वो सेल्स जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से दूर करके हैं साइड्स के ऊपर मौजूद हैं वो बाद में आगे जाकर जो है वो स्किन यानी कि इसकी जो है वो स्किन या एपिडर्मस जो उसको बनाएंगे तो इस तरह से टॉप लेर्स मसल माइग्रेशन के बाद जो रह गई है दैट इज़ द एक्टोडर्म और एक्टोडर्म ने आगे जाकर जो है नर्वस सिस्टम और इसके बाद एपीडर्मस को बनाना है जैसे ही सेल्स की माइग्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी यानी पिरीमिटिव स्ट्रीक और हैंसन नोड से सेल्स नीचे जाना कंप्लीट बंद कर देंगे मुकम्मल हो जाएगी माइग्रेशन अब इसके बाद पिमिड स्ट्रीक विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स साइज परिमिड स्ट्रीक का साइज आहिस्त काम होना शुरू हो जाएगा जब ये बनी थी तो इसे इंटीरियरली इसने आगे तो एक्सटेंड किया था अब ये रिवर्स आएगी तो ये आता रिग्रेस होगी नहीं इसका साइज कम होता चला जाएगा जब पीमिटिव स्ट्रीक कम हो रही है तो इट मीन जो हैंसन नोड है वो भी आिस्तान पोस्टीरियर पोजिशन के ऊपर आ रहा है तो इस इस जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे इट इज़ अ रिग्रेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक अब अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखें तो यहाँ हमारे पास इनिशियली प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ से बनना शुरू हुई थी फिर ये बढ़ते 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 बिल्कुल फॉरवर्ड पोजिशन के ऊपर चली गई आगे चली गई है और इसका एंटीरियर एंड जो है दिस इज एक्चुअली द देंडसन नोड है जब फुली प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्सटेंड हो जाती है उसके बाद सेल माइग्रेशन होती है वन सेल माइग्रेशन इज़ कम्प्लीट सेल जब माइग्रेट करके नीचे चले जाते हैं जिन्होंने एंडोडर्म और मिजोडर्म बनानी होती है अब ये परिमिडिट्रीक आहिस्ता आहिस्ता साइज रिड्यूस करना शुरू करता हो तो यहाँ से ये रिड्यूस करते कहते तो यहाँ तक आ जाती है यानी पोस्टीरियर पोजिशन के ऊपर वापस आना शुरू होती है तो हैंसन नोड जो पहले एंटीरियर एंड के ऊपर था अब वो आता वो पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जैसे स्ट्रीक रिग्रेशन स्ट्रीक रिग्रेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज अ प्रोलीफ्रेशन ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स अब एक्टोडर्मल सेल्स क्या करेंगे आज से था प्रोलीफ्रेट करेंगे ये वैस बिल्कुल वैसे ही है जैसे एम्फीबियंस में जब ब्लास्टोपोर से माइग्रेशन कम्प्लीट होती है तो पूरे सेल माइग्रेट क्या करते हैं ब्लास्टोपोर को बंद कर देंगे और पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेते हैं सेम इज द केस विद द एवियंस तो बर्ड्स के साथ भी सेम यही केस होगा जब पिमिड स्ट्रीक से से सेल की माइग्रेशन कम्प्लीट होगी है नाउ द एक्टोडर्मल सेल दे विल प्रोलीफ्रेट एंड दे विल कवर द होल एम्ब्रियो अलॉन्ग विद जोक वो सेल्स को भी कवर करेंगे और नीचे योग को भी कवर कर लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज आली कॉल्ड एज द बॉडी